हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस पे लेके आया हूँ, क्योंकि हमें डे बाय डे अल्सरेटिव कोलाइटिस पे बहुत सारी क्वेरीज रेज हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिथ है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, और कोशिश करूँगा कि उन मिथ्स को इस वीडियो में सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि इतनी क्वेरीज हैं हमारे पास उस चीज़ की। क्योंकि आजकल मुझे लगता है लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है या पेशेंट्स को अवेयरनेस इतनी है, वो बहुत तरह तरह की मेडिसिंस खाते हैं या वो सिर्फ ब्लीडिंग को स्टॉप करने की मेडिसिंस खाते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ परमानेंटली, उनको कोई क्योर नहीं मिलता, वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पहले तो मैं वो बताना चाहता हूँ। आम तौर पे अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम किस तरह जोड़ते हैं आयुर्वेद में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें वूंड्स या अल्सर होना या जख्म होना और उसमें से ब्लीडिंग का निकलना, ब्लीडिंग स्टूल में मिक्स होके आना, साथ में म्यूकस का आना, ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के। और जहां पर वूंड या अल्सर हो जाए तो आप समझते हो वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें उसको हील करने के लिए कुछ वक्त मिल चाहिए होता है पेशेंट से। मतलब एक एवरेज पेशेंट को ठीक करने के लिए, पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं। हाँ, आपको अगर अन्य पैथी से कंपेयर करें तो वो लाइफ लॉन्ग आपको मेसाकॉल या ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मेसाकॉल भी एक सॉल्ट है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है अदर पैथीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। इसमें एक और मेजर सिम्टम होता है कि पेट में दर्द होना, जिसको हम कई बार निग्लेक्ट करते हैं, और वो अगर वो बढ़ता बढ़ता बढ़ जाए तो आपके फंडस मसल को वीक कर देता है, जो स्टमक का बहुत ही बड़ा मसल है। तो आपको उस एरिया में हमेशा एक हल्की हल्की पेन की फीलिंग हमेशा बनी रहती है, तो ये भी एक मेजर सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा पूर्ण रूप से संभव है। आप जो ऑर्नोपैथी में कुछ भी ले रहे हैं, उससे अच्छा तो अगर आप सिर्फ डाइटरी में चेंज कर लें, डाइटरी हैबिट्स चेंज कर लें, तो आपको उससे ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा जो आप वो दवाइयाँ खाकर रिलीफ मिल लेते हैं। जैसे कि नॉनवेज का बंद करना, दही का ना लेना, अनार का जूस पीना नित्यम, मतलब आप ज़रूर एक गिलास या आधा गिलास अगर अनार का जूस पिए, नहीं तो अनार को सीधे रूप में फल के रूप में लें। इसके अलावा रात को लेट खाना ना खाना, ज़्यादा स्पाइसी फूड का ना लेना, रात को 10 बजे या 11 बजे डिनर का ना करना। आपको अक्सर ऐसे पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो 8 बजे से पहले अपना डिनर ले लें, ताकि वो प्रॉपरली आपका डाइजेस्ट हो जाए, आपकी जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स है उसको वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। इसके अलावा आप जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है उसमें देसी घी का उपयोग करें, क्योंकि जहाँ अल्सर हैं वहाँ पर डेफिनेटली ड्राइनेस या हार्शनेस होगी, तो जो गऊ का देसी घी है वो बहुत ही लाभदायक है। कई लोग कहते हैं कि मुझे देसी घी नहीं पचता, तो डेफिनेटली वो मात्रा ज़्यादा लेते होंगे, तो हमें मात्रा को थोड़ा ध्यान से उपयोग करें। काओ का देसी घी इसके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो हल्का भी है और ईजीली टू डाइजेस्ट भी है। बहुत सारे लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं पचते, ये बिल्कुल सही है। आप अल्सर कोलाइटिस में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को जितना अवॉइड कर सकें आप ज़रूर करें, आपको हील होने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारा एक कॉम्बिनेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक कॉम्बिनेशन मेडिसिंस का, जिसमें लिवर के लिए या आपकी ब्लीडिंग के लिए या आपकी जो मिनरल्स इस चीज़ में गिलोय है, प्रवाल है, शुक्ता है, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। आप उसको एक बारी ज़रूर पढ़ें, और हमारे पास रेगुलर बेसिस पे कुछ
कुछ मतलब लगभग 30 से 35 क्वेरीज हैं जो हम रोज अल्सरेटिव कोलाइटिस पे ही है, तो आप उनको अगर हम देखें कि एवरेज जो पेशेंट हमें मतलब फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो वो सारे ही पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जो पेशेंट इन चीज़ों को नहीं मानता या इनको गाइडली जो इसको नहीं फॉलो करता, तो वही पेशेंट सिर्फ नहीं ठीक होता, अदरवाइज वो सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, chandigarhayurvedcenter.com, और हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो वहां पर आपको अवेलेबल है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो डाइट को लेकर या मेडिसिन को लेकर, तो हमें हमसे एक बार जरूर संपर्क करें। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें रोज ऐसे मिथ, या जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की, तो हमेशा एक ही चीज सुनते हैं, मेसोकॉल ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, 2 महीने ठीक रहे, 4 महीने ठीक रहे, जब मेडिसिन छोड़ी फिर वही हाल है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 6 से 7 महीने लगेंगे रिकवरी को, उसके बाद आपको इन मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होगी, आप आयुर्वेद में पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।